हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सब? पढ़ाई ठीक से चल रही है आप लोगों की? तो आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टू चैप्टर्स एंड नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद द थर्ड. सो आप साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों? ताकि आप अच्छे से टेस्ट दे पाएँ और अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है? सब चैप्टर्स के आपके टेस्ट होंगे, तो आपको चैप्टर्स के बीच बीच में से पढ़ना है. जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वैसे ही आपको पढ़ना है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर. तो उस चैप्टर का नेम क्या है? फैमिली वेकेशन. फैमिली की वेकेशन. अब वेकेशन तो आपको पता ही है, छुट्टियाँ होती हैं. क्या होती है बच्चों? छुट्टियाँ, हॉलीडेज. देख रहे हैं ना यहाँ पे आप हॉलीडेज लिखा हुआ है. तो जैसे आपकी भी छुट्टियाँ हो रखी हैं अभी, तो जून में भी समर वेकेशन होती हैं और विंटर में, सर्दियों में विंटर वेकेशन होती हैं. तो जो छुट्टियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं वेकेशन. सो यू माइट ऑल्सो बी स्पेंडिंग विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. तो इसमें भी यही है कि आप भी अपना टाइम जैसे स्पेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. आप घूमने जाते होंगे, ठीक है ना? तो घूमने जब जाते हैं तो आप भी अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे. तो इसी में लाइक जो हम करेक्टर्स देखेंगे वो भी घूमने जाते हैं. और कहाँ जाते हैं? अपनी बिग फैमिली के पास जाते हैं. तो फैमिली वेकेशन बोला हुआ है यहाँ पे. आप भी अपने जो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं सपोज, तो आप ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते होंगे, अपने नाना नानी से मिलने जाते होंगे, मामा मामी से मिलने जाते होंगे. तो एक फैमिली वेकेशन, जो हमारी छुट्टियाँ हैं, हम फैमिली में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो चैप्टर का टॉपिक यही है, हमें बस इसे ध्यान से सुनना है. छोटी सी स्टोरी है कि जो हम देखेंगे वेदा है वो कैसे लाइक अपना टाइम स्पेंड करती है वेकेशंस में अपनी फैमिली के साथ. सो वी विल बिगिन नाउ. सो फर्स्ट वी विल रीड बिफोर वी बिगिन. हम क्या करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग से यही रीड करते हैं ना बच्चों, बिफोर वी बिगिन. स्टार्टिंग करने से पहले, दिस इज टॉम विद हिज फैमिली. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन हिज फैमिली? तो क्या है ये? टॉम है, ठीक है? तो टॉम क्या है यहाँ पे? वो अपनी फैमिली के साथ है. तो कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है? तो आपको देखना है, आपने इनको काउंट करना है. जैसे कि टॉम है, फिर ये हैं 1 2 3 4 5 6 करके काउंट करना है आपने इनको. और यहाँ पे लिखना है काउंट एंड राइट. काउंटिंग तो आपको आती ही होगी, तो आपको यहाँ लिखना है. ये आपकी एक्टिविटी है. जब आपके स्कूल रीओपन होंगे ना, सारा चेक किया जाएगा, आपने कितना वर्क किया है और कितना नहीं किया है, ठीक है ना? अब सपोज मैंने भी आपको एक टेस्ट में पिक्चर दे दी, तो आपको काउंट करने होंगे मेंबर्स कितने हैं, ठीक है ना? तो अपना पहले ही ऑलरेडी रेडी करके रखिएगा ये सब चीज़ें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर इटसेल्फ. लेट्स बिगिन. सो क्या है यहाँ पे? लेट अस नाउ रीड व्हाट वेदा डिड ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज. अब हम क्या करते हैं, हम रीड करते हैं जो वेदा है उसने अपने छुट्टियों का टाइम में क्या किया, ठीक है ना? समर हॉलीडेज़ में, गर्मियों की छुट्टियों के टाइम में उन्होंने क्या किया, ठीक है? वेदा इज अ करेक्टर, वेदा इज अ गर्ल, ठीक है? अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है. वेदा इज गोइंग टू स्पेंड हर समर हॉलीडेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स. जो वेदा है वो अपनी जो छुट्टी है, छुट्टियाँ हैं समर की, वो किसके साथ स्पेंड करने वाली है? स्पेंड मीन्स क्या होता है? व्यतीत करना, ठीक है? स्पेंड करती हैं किसके साथ? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पता है ना हमें, दादा दादी जी को बोलते हैं हम, ठीक है? तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो स्पेंड करती हैं. दे लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर अ सी. वो कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल टाउन में, ठीक है ना? छोटे से टाउन में रहते हैं, सी के पास. सी क्या होता है बच्चों? समुद्र. ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत पानी पानी होता है इसमें, नदियों से भी बड़ा होता है ये, बहुत बड़ा होता है. आप सबने देखा भी होगा शायद, ठीक है ना? मूवीज में तो देखा ही होगा, ठीक है? फिर हम देखते हैं, वेदा एंड हर पेरेंट्स रीच अर्ली इन द मॉर्निंग. वेदा, अब वो मतलब जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वो पहुँचते हैं ना, तो क्या होता है, कैसे पहुँचते हैं? वेदा, जैसे वेदा हमें दिखा रखी है यहाँ पे, गर्ल है ये, उसके पेरेंट्स हैं ये, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो क्या होता है, वेदा और उसके पेरेंट्स सुबह मॉर्निंग में ही पहुँच जाते हैं. कहाँ पहुँच जाते हैं? आपने वेदा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुँच जाती हैं, और इनके क्या लगे, ये पेरेंट्स, ठीक है? तो ये अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाते हैं. तो क्या बता रहे हैं हमको? सुबह ही पहुँच जाते हैं. आप जैसे सपोज मैं आपसे टेस्ट में पूछ लूँगी वो कब पहुँचते हैं, रात को पहुँचते हैं, दिन में पहुँचते हैं, या अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, ठीक है? तो सुबह सुबह पहुँचते हैं वो. नेक्स्ट इज, यू हैव ग्रोन टॉल वेदा सेज ग्रैंडपा. आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रैंडपा, क्या कहते हैं ग्रैंडपा? देखो कुछ कह रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है? यू हैव ग्रोन टॉल वेदा,
आप तो लंबी हो गई हैं वेदा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों बाद वेदा को देखा, ऑब्वियसली वो लंबी भी हो गई होगी, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स भी, आपके अंकल आंटी भी आपको ये कहते होंगे, आप तो लंबे हो गए हो, आप तो स्मार्ट हो गए हो, ठीक है ना, आप तो पतले हो गए हो, ऐसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पा है वो उनको कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कम इनसाइड, यू मस्ट बी टायर्ड, क्या कहते हैं, आप अंदर आ जाइए, ठीक है ना, आप थक गए होंगे, सेज ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ क्या कहती है यहाँ पे, कि अंदर आ जाइए, आप लोग थक गए होंगे, ठीक है ना। तो अब थक क्यों गए होंगे, क्योंकि जर्नी करके आए हैं, अब हम कहीं से कहीं प्लेस पे जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो हम थक जाते हैं ना बच्चों। तो वो रेस्ट के लिए उनको बोले कि आप अंदर आ जाइए और बैठिए, लाइक आप थक गए होंगे। वेदा देन ग्रीट सर आंट, आंट है, ठीक है। तो वेदा जो है अपनी आंटी हैं, जो आंट है उनको ग्रीट करती हैं। ग्रीट मतलब विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जो भी हम यूज़ करते हैं ना वो सब ग्रीट में आता है। हर कजन्स राहुल एंड रोहन आर हैप्पी टू सी वेदा, जो उसकी कजन्स हैं, किसकी कजन्स हैं, वेदा की जो कजन्स हैं, जो उनके आंट के बच्चे हैं, लाइक अंकल आंट के जो बच्चे हैं, वो कौन है, राहुल एंड रोहन, ठीक है ना। तो वेदा को देख के खुश हैं, क्यों खुश हैं, अब पता है हमारी फ्रेंड आ गई है, हमारी कज़न आ गई है, तो हम उनके साथ खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी अपने कज़न्स को देख के खुश होते होंगे, फ्रेंड्स को देख के, है ना। तो अब हम देखेंगे वो कैसे इन्जॉय करते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अब देखते हैं। द नेक्स्ट डे वेदा हैज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वेदा को प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है। प्लेजेंट क्या होता है बच्चों, नाइस, अच्छा सरप्राइज मिलता है उनको, बहुत क्या अच्छा मिलता है सरप्राइज में। हर कजन्स मीरा एंड तारा हैव कम फ्रॉम अनदर सिटी, तो क्या है बच्चों कि जो पहले उसके कजन्स थे राहुल एंड रोहन, तो साथ थे ही उनके, लेकिन एक और सरप्राइज वेदा को मिलता है, वो क्या मिलता है, मीरा और तारा, वो भी उसकी कजन्स हैं, जो कि अनदर सिटी मतलब दूसरी सिटी से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उनसे भी मिलती है, ठीक है। तो और सरप्राइजिंग बात होगी, अब तो बहुत सारे बच्चे हो गए ना, सब इकट्ठे खेलेंगे। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे, एवरी डे वेदाज अंकल एंड आंट टेक द चिल्ड्रन टू द बीच, अब क्या है, जो वेदा के अंकल हैं और जो आंट हैं, ठीक है ना, उनको बीच पे लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच पे दिख रहा है ना आपको, समुद्र के किनारे आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बीच बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके जाते हैं, दे प्ले इन द वाटर, वो पानी में खेलते हैं, दिख रहे हैं ना बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। दे मेक सैंड कासल्स, अब कासल्स क्या होता है बच्चों, महल बनाना, दिख रहा है ना, महल बनाते हैं। सैंड क्या होती है, मिट्टी होती है एक तरह की, ठीक है। तो वो ऐसे बनाते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज में भी, ठीक है ना। तो वहाँ की जो सैंड होती है थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, तो इससे वो जल्दी बन जाते हैं, लाइक कैसल्स बनाना चाहें या आप कुछ और भी शेप देना चाहें तो इजीली बन जाता है, ठीक है। तो ये सैंड जो होती है, हम इसको एग्जैक्ट जो मीनिंग देखते हैं, इसको होता है रेत, ठीक है। रेत बहुत फिसलनी होती है, इससे मतलब अच्छे से शेप आउट हो जाती है, यहाँ वाली मिट्टी जैसी नहीं होती, शेप देने में प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ की जो सैंड होती है वो थोड़ी सी शेप करने में हमें हेल्प आउट करती है, तो इसलिए तो उनका क्या बन गया है, ये कासल बन गया है, ठीक है ना। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपने, हमने सब ने डिस्कस कर लिया है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कासल बना रहे हैं और यहाँ पे खेल भी रहे हैं बीच के आसपास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। समटाइम्स द चिल्ड्रन प्ले इनडोर गेम्स, कुछ बार लाइक कुछ टाइम में क्या, कई बार क्या करते हैं बच्चे, समटाइम्स कुछ टाइम में, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन प्ले इनडोर गेम्स, ठीक है। जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे हो गए हैं ना, ठीक है ना। तो इनडोर गेम्स खेलते हैं, इनडोर गेम्स क्या होती हैं बताइए, बताइए, इनडोर और आउटडोर गेम्स तो आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है, ठीक है ना। इनडोर गेम्स क्या होती है, घर के अंदर जो गेम खेली जाती हैं, जैसे आजकल आप लोग खेल रहे होंगे, पहले तो आप आउटडोर गेम्स खेलते होंगे घर के बाहर जाके जो खेलते हैं, तो जैसे कि हम बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब चीज़ें बाहर खेलते हैं ना घर के बाहर ही, तो आउटडोर गेम होती हैं। लेकिन इनडोर क्या होती हैं, विद इन दी हाउस जो हम गेम खेलते हैं, जैसे हम लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, इनडोर। अब मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि इनडोर गेम्स की आप एग्जाम्पल दीजिए मुझे, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुननी है एक्सरसाइज, ठीक है, और एक्सरसाइज भी अच्छे से पढ़नी है और चैप्टर भी ध्यान से सुनना है,
ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना वही मुझे आंसर कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। राहुल एंड रोहन टीच विद अ न्यू गेम कॉल्ड ऊनो। अब राहुल और जो रोहन है वो वेदा को क्या करते हैं, न्यू गेम सिखाते हैं, न्यू गेम सिखाते हैं ना। तो अब ऑब्वियसली आप भी अपने कजन्स के साथ खेलते होंगे तो कई बार आपको न्यू न्यू चीज़ें सिखा देते होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये क्या होता है, एक कार्ड गेम होती है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने एक कार्ड गेम होती है, तो आ ये आप कौन सिखाता है, राहुल जो है, राहुल और रोहन वेदा को सिखा देते हैं। राहुल और रोहन कौन होते हैं, हमने देखा था कजन्स होते हैं, देखा था ना बच्चों यहाँ पे। तो राहुल एंड रोहन वेदा को गेम सिखाते हैं, एक न्यू गेम ऊनो, ठीक है। ग्रैंड माँ प्रिपेयर्स देयर फेवरेट डिशेज एवरी डे। अब ग्रैंड माँ क्या करती है, उनके लिए फेवरेट फेवरेट उनकी जो अच्छी मनपसंद डिशेज है, जो उनको खाना पसंद है, ठीक है ना, डिशेज प्रिपेयर करती है डेली, एवरी डे मीन्स डेली। वेदा एंड हर कजन्स हेल्प इन फोल्डिंग क्लोथ्स एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। वेदा और उनकी कजन्स क्या हेल्प करते हैं, मतलब कि क्लोथ्स को फोल्ड करने में, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, और सब जगह। अब कई बार सामान बिखरा रहता है तो उसको एक जगह रखना उसके प्लेस पे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। हम एक जगह उसका सामान रख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे बुक्स हैं हमारी तो बुक शेल्फ के अंदर होनी चाहिए, क्लोथ्स हैं हमारे अलमीरा के होने चाहिए, अलमीरा में होने चाहिए। तो ऐसे ही कौन करते हैं, वेदा और उसके कजन्स करते हैं, क्या करते हैं, क्लोथ्स को फोल्ड करते हैं और जो हर सामान जो उसकी जगह पे होना चाहिए उसको वहीं रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द होलीडे इज ओवर नाउ। अब क्या होता है, इन्होंने इतना सारा इंजॉय कर लिया बीच के पास भी, सब चीज़ों के पास भी, ठीक है। तो क्या होता है, हॉलीडे अब ओवर हो चुकी है, मतलब फिनिश हो चुकी है। वेदा हैज़ टू गो बैक। वेदा को क्या करना होता है, वापस जाना है, ठीक है ना। हर कजन्स आर सैड टू से गुड बाय। अब सैड क्या होता है, मतलब वो दुखी हैं, ठीक है। तो गुड बाय मतलब उनको जाने के लिए हम बोलते हैं ना, किसी को जो जा रहा होता है तो गुड बाय बोलते हैं, ठीक है ना। कि तो अब यह है, उनको जाना पड़ेगा वेदा को वापस, वो कजन भी सैड होते हैं, ठीक है ना। किस लिए उनको गुड बाय कहना पड़ेगा अपनी कज़न को। द प्लान टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट वेकेशन। और प्लान क्या करते हैं कि नेक्स्ट वेकेशन में दोबारा मिलेंगे, जब नेक्स्ट छुट्टियाँ आएंगी ना, आप भी यही करते होंगे कि अगली छुट्टियों में फिर जाएंगे मामा मामी घर, नाना नानी घर, या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये भी प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट छुट्टियों में मिलेंगे। सो वेदा हाउ वर योर हॉलीडेज। उनके पेरेंट्स पूछते हैं वेदा के कि आपकी छुट्टियाँ कैसी थी। वेदा रिप्लाइज इट वॉज ग्रेट फन विद अ बिग फैमिली। बहुत मज़ा आया, ठीक है ना, विद अ बिग फैमिली, ठीक है ना। तो बहुत मज़ेदार था ये, और क्यों, क्योंकि ये बिग फैमिली के साथ, बहुत बड़ी फैमिली थी ना, सब ने इन्जॉय किया था। इट वॉज ग्रेट फन विद अ बिग फैमिली, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की बात थी कि ये बड़ी फैमिली के साथ था। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने सारी पिक्चर्स भी डिस्कस कर ली हैं, 1, 2, 3 करके डिस्कस कर ली ना स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है। अब हमारा क्या है, रिमेंबर। रिमेंबर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं टेस्ट में। रिमेंबर मीन्स याद रखें, चैप्टर पढ़ के आपने क्या चीज़ें मोस्टली याद रखनी है। द पीपल विद लिव वी लिव विद आर फैमिली विद मेम्बर्स। तो जो पीपल हैं, जो हम लोगों के साथ रहते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। जैसे आपके घर में भी आपके पेरेंट्स वगैरह साथ रहते होंगे, तो कौन हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स। आवर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स। जो आपके मदर, जो हमारे मदर और जो फादर होते हैं, वो कौन होते हैं बच्चों, हमारे पेरेंट्स होते हैं। वी ऑल्सो हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे क्या होते हैं, ब्रदर भी होते हैं और सिस्टर्स भी होती है। ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहने, सिस्टर मीन्स होता है बहन, बट यहाँ पे एस लगा हुआ है तो बहने। और यहाँ ब्रदर मीन्स सिंगल ब्रदर, भाई, और यहाँ पे भाई एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ आवर मदर एंड फादर आर कॉल्ड आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने आपको, जो हमारे मदर है, ठीक है ना, उनके पेरेंट्स, और जो हमारे फादर है, ठीक है ना, उन दोनों को हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी में हम क्या करते हैं, लाइक हमारे जो फादर के पेरेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दादा दादी, और मम्मा के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाना नानी।
बट जो इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों के लिए सेम वर्ड यूज़ होता है, दादा दादी के लिए भी और नाना नानी के लिए भी यूज वही होता है, ठीक है। द ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आर अंकल्स एंड आंट्स, जो ब्रदर और सिस्टर है हमारे पापा हमारे पेरेंट्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, अंकल्स एंड आंट्स। आप भी बोलते होंगे ना, द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कजन्स, जो हमारे चिल्ड्रन हैं लाइक जो चिल्ड्रन हैं अंकल और आंट्स के, उनके वो क्या कौन हो जाते हैं, हमारे कजन्स हो जाते हैं, ठीक है। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल, फैमिलीज जो क्या है बिग भी हो सकती है स्मॉल भी हो सकती हैं, ठीक है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती हैं। इन अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में क्या होता है, हम वी लिव विद आर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और ब्रदर या सिस्टर के साथ रहते हैं, लेकिन बिग फैमिली में क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, ठीक है बच्चों, विद अस, ठीक है, हमारे साथ रहते हैं। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर प्रॉपरली विद पिक्चर्स, तो पिक्चर्स ही मैं आपको दे दूंगी इसमें, कहाँ पे आपको मार्क करना होगा, वेदा है, ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं, उसके पेरेंट्स क्या हैं, कौन सा सीन दिखा रखा है, तो आपको मुझे वन वर्ड में टू वर्ड में लिखना के लिख के बताना होगा, ठीक है। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आप अच्छे से कर पाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लाइक हम ये देख लेते हैं वर्ड स्मार्ट में, फेवरेट, फेवरेट क्या होता है बच्चों, समथिंग यू लाइक वेरी मच, जो आपको बहुत पसंद होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेवरेट, ये तो मेरी फेवरेट है, ऐसे बोलते हैं ना। प्रेजेंट तो मैंने बता ही दिया था आपको, नाइस, और वेकेशन मीन्स हॉलीडेज, ओके स्टूडेंट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर विद द रिमेंबर पोर्शन एंड वर्ड स्मार्ट पोर्शन। टुमोरो वी विल बी कवरिंग विद द एक्सरसाइज एंड देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग और फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक्स में, और एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप इसको मैथ का फॉलोइंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, और जो भी एक्सरसाइज है आपकी लाइक स्माइलीज है यहाँ पे, तो आपसे स्माइलीज, हैप्पी स्माइली और सैड स्माइली यहाँ पे करनी होगी। बट आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए, हमने दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए थे, थर्ड हमारा आप कवर अप हो जाएगा, ऐसे सिलेबस कवर अप होता जाएगा आपका। सो आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि वो बच्चों को साथ साथ ही कराएँ ताकि उनका प्रॉब्लम ना हो, सिलेबस विल नॉट बी डन अगैन, जस्ट दिस पोर्शन विल बी रिवाइज, ये रिवाइज करा सकते हैं हम, हर चीज़ नहीं लिखवा पाएंगे क्लासेज में, सो दे हैव टाइम दे कैन डू नाउ, बिकॉज दो ही सब्जेक्ट उनके क्लासेस में चल रहे हैं, तो आई थिंक ये फिजिबल है, वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम आपके एफर्ट्स तो ऑब्वियसली लगेंगे, बट इससे क्या है ना, बच्चों का डेवलपमेंट हो जाएगा और उनका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। दैट्स वाई हमने सब्जेक्ट्स भी दो लिए हैं कि बच्चों को एक्सेसिबल हो, बच्चे कर पाएँ, ताकि तो बस दो दो सब्जेक्ट करके भी उनका काफ़ी सिलेबस कवर अप हो रहा है। तो बस ध्यान रखिए कि आप क्लासेस के साथ ही चलें, प्रॉपर टाइम पर टेस्ट दें, ठीक है, और अच्छा से उसमें स्कोर करें एंड इन्जॉय योर लॉकडाउन टाइम, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।